एक तमिल लैंग्वेज की मूवी देखी जिसके लीड रोल में हमें विजय एंथोनी नजर आए हैं, जो एक एक्शन ड्रामा मूवी है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। तो वेल हेलो, मेरा नाम है अमित हिटलर। इस मूवी का ड्यूरेशन 2 घंटे 10 मिनट का है। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी की शुरुआत एक जंगल में बसे छोटे से गाँव से होती है, जहाँ मजदूरों का बहुत बुरा हाल है और नदी पार करने के लिए कोई भी उचित साधन नहीं है, यानी कि कोई वहाँ पुल वगैरह नहीं है जिससे वो नदी पार कर सके। अब ऐसे में उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे नदी का पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बरसात हो रही होती है। इसके बाद इसकी स्टोरी जो है वो हमें चेन्नई की दिखाई जाती है, जहाँ हमें विजय एंथोनी यानी कि सेल्वा देखने को मिलता है। उसे एक सारा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, जो उसे एक्सीडेंटली अचानक मिल जाती है। वहाँ विजय एंथोनी यानी कि सेल्वा करवा केल का एक रूममेट बन जाता है, एक जबरदस्ती का रूममेट। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके रूममेट बनने के बाद में ही इस मूवी के अंदर हमें ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं। इसी बीच में डिप्टी कमिश्नर शक्ति एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन के कई लोगों को मार डाला है और शक्तिशाली अधिकारियों का पैसा लूटा है। इसके पीछे भ्रष्ट नेता शामिल है। इस मूवी के अंदर हमें बदला लेने वाली कहानी देखने को मिलती है, भ्रष्ट नेता देखने को मिलते हैं और कुछ डकैतियां देखने को मिलती हैं। सैकड़ों करोड़ों की ठगी की जाती है, कई गुर्गों की हत्या कर दी जाती है, एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिलती है। आखिर इस मूवी के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, ये आप इस हिटलर मूवी के अंदर देखोगे। अगर मैं इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो भाई साहब कमाल हो गया, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी की स्टोरी दिखाई जाती है वो एकदम बेस्ट है। वैसे तो आप विजय एंथोनी की कोई भी मूवी उठा के देख लो, सभी मूवी वन टाइम वॉच रहती है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको वो देखने को मिलता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मानता हूँ इस मूवी के अंदर सभी टॉपिक को छेड़ा जाता है, लेकिन सभी टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से दिखाए जाते हैं। तो अगर आप इस मूवी को देखना ही चाहते हो तो इस मूवी को आप देख सकते हो सिंपली साउथ ऐप पर, टेंट कोटा और प्राइम वीडियो पर भी शायद ये मूवी अवेलेबल है। लेकिन इस मूवी को आप अभी के लिए सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ही देख सकते हो, इसकी हिंदी डब वर्जन अभी नहीं आई है। मैंने इस मूवी को सबटाइटल के साथ में देखा है। अगर हम इस हिटलर की कास्टिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको विजय एंथोनी, रेडिन, गौतम वासुदेव, रिया सुमन, चमन राज जैसे एक्टर देखने को मिलते हैं। बाकी मैं दूंगा इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। बाय।